10,000 रख लो, प्यार से दे रही हूँ। भाई तुमने युवान सिंह राठौड़ इतने बड़े आदमी का ध्यान रखा एक नर्स बनके, तो इतने पैसे तो बनते हैं ना? एक रात की सेवा करने के 10,000 रुपए रख लो। क्यों ना, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवान, बन्नी का लाड दुलार ममता तो फ्री ही मिले है ना, इसे ना युवान की रक्षा के नाम पे गरीबों में बांट देना। और दुआ मांगते वक्त नाम युवान का लेना, विराज का नहीं। युवान। मायरा, ये खिचड़ी दे देना युवान ने। हाँ, मुझे बात करनी थी। एक सेकेंड। काहे परेशान होती है, छोड़िए 10,000। इनके जाने के बाद देवराज जी के चरण पकड़ के लाखों सर का लेना। हाँ, इस पागल बावड़ी छोरी ने 10,000 रुपए यूं ही लुटा दिए। क्या हुआ मायरा? बनी, ये मलाई वाला दूध तुमने युवान भैया को दिया? हाँ, और ऊपर से एकदम ताजी ताजी मलाई डाल के दी। क्यों भैया, कभी मलाई वाला दूध नहीं पीते, पता है कोई गलती से भी दे देना तो भैया ग्लास फेंक देते। अच्छा, पर मैंने तो आज उसे पहली बार ऐसा गर्म दूध दिया है, और मारे को तो मालूम। पर एक मिनट, युवान तो एकदम आराम से घटाघट पी गया इसे। एग्जैक्टली, वही तो नहीं समझ आ रहा, भैया का बिहेवियर ना अचानक काफी बदल गया है। अच्छा, पता है बिना चंदा मामा स्टिकर के भैया एक सेकंड नहीं रह सकते। कल भैया का ध्यान तक नहीं गया कि भैया के शर्ट पे वो स्टिकर नहीं है, कहीं गिर गया है। कल और भी बहुत कुछ हुआ था संगीत में, ये टेंशन के मारे मैं तुम्हें बताना भूल गई। पता है कल भैया बेहोश हो गए थे। के? और जब होश में आए ना, तब फिर से नॉर्मल युवान भैया थे। कि बोल रहे थे अचानक बन्नी को याद करने लग गए, बन्नी के पास जाना है, और अब फिर से वैसी वियर्ड बिहेव कर रहे। मायरा, बात तो अजीब है, पर अभी युवान का खून गया है ना जांच के लिए, रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। वैसे मैं शंभू जी से प्रार्थना करूं कि रिपोर्ट सब सही निकले और थारे मन का वहम ही निकले। चाहती तो मैं भी यही हूँ बनी। चलो मैं चलती हूँ अभी। रुक रुक, मैं भी थारे साथ चलूं। दीजिए ध्यान से, केयरफुल, या आराम से बच्चे। हाँ। माननी इसे बिठा दो ना प्लीज, आराम से बेटा, आराम से बैठ जा। सब्जियां भी लेनी है, पता नहीं पुलिस स्टेशन खुला होगा कि नहीं। मायरा, आजा बेटा। यस डैड। ठीक है, बाय। रात को देखा था ना बनी, युवानिस बैंगन से मुंह वाले को भूत भूत क्यों कह रहा है? बनी चलो, देखा था सच्ची।
बनी रात को भी फोन पे युवान ने पूछा था कि भूत आया होगा, और फिर वो राजा भाई को देखकर भूत भूत कह रहा है। भूत को बता दिया युवान। तो कल रात मारे पे हमला करने वाला, मारी इज्जत पर हाथ डालने वाला तू था। कैसी बात कर रही बंदी बकवास नगर। कल रात तो थरा वो यार आया था ना, उसी से ही पूछ लेती। वो रात में थारे साथ मौका देख के कल रात ना हमारे घर पे हमारे साथ हमारी दोस्त भी थी, वो अमीर घर वाली लड़की, उसने थारे को देख के पहचान लिया था। मतलब इतने अंधेरे में इतने पास से थारे को भाई ना दिखाई दिए, और वो छोरी ने इतने दूर से ही देख लिया कुछ भी। वहां अंधेरा था, मा, 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 मारा मारी नकर बन्नी, छोड़ा ने बहुत जम के लग गई। अब जो हुआ सो हुआ, चल थारे मामा का लिया हो 3 लाख रुपए माफ, पूरा कर्जा माफ, अब तो खुश है। काली दाल की तरह इस पतीले में पकाना है थारे को। ये आदमी 6 फुट का तगड़ा कद्दू की तरह फूला हुआ अपने आप को मर्द के वे कल रात को हमारे घर में घुस के अंधेरा करके ना मर्दों की तरह हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। इज्जत तो इसकी जानी चाहिए ना, हाँ इसमें हमारा की दोस्त, बस इतना ही ना कि पसंद ना करती थारे को, मना कर दिया, अब मना कर दिया तो जबरदस्ती मारे को पाने की कोशिश कर रहा है। ना का मतलब समझ ना आवे क्या है? आज बन्नी दिखाएगी कि ऐसे दरिंदों की, ऐसे सैतानों की इज्जत कैसे लूटते हैं।
और जाने का मतलब अब देख देख कैसे सड़े हुए आलू की तरह बीच बाजार में पड़ा हुआ है तू हा? और लोग थारे ऊपर थूक रहे हैं। अब तो सिर्फ थूका इन लोगों ने। अब देख कैसे तुझे अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं लोग। बात सिर्फ इस ठरकी की ना है, हर नुक्कड़ में हर गली में ऐसा कोई ठरकी मिल ही जाएगा जो रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पे बाजारों में अकेले घरों में किसी लड़की को कमजोर समझ के उसका शिकार करने की कोशिश करता है। इन लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि लड़कियां कमजोर ना है। जब तक इनके दिलों में ऐसी सजाओं का दहशत ना बैठेगा ना, तब तक ये हमारा पीछा करते रहेंगे, सुनसान गलियों में हमें छेड़ते रहेंगे, घरों में घुसते रहेंगे। अरे इन्हें बताना जरूरी है कि लड़की की इज्जत कोई हलवा ना है, कि जब मन में आए उसे भोग लगा के चले जाए। इस मंदिर में अगर किसी राक्षस ने घुसने की कोशिश की ना, तो हर औरत के अंदर की देवी जाग जाएगी और राक्षस का इसी तरह संहार करेगी। बहुत सताए इसे हमें भी, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे इसे। आज से हर ठरकी का यही हाल होगा। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने सबके सामने माना है कि इसने हमारे घर में घुस के हमारे साथ कलक करने की कोशिश की। अब मैंने तो अपनी सजा दे दी, अब आपकी बाकी है। बनी, तुम हमारी सुपर हीरो हो। हाँ, बनी, तुम हमारी सुपर हीरो हो। नाना जी, हर लड़की के अंदर एक सुपर हीरो हो गए, बस थोड़ी सी हिम्मत करके अपने अंदर खोद के उसे जगाने की जरूरत है, बाहर लाने की जरूरत है। फिर देखना ये जो सुपर विलेन है ना, ये अपना मुंह उठा के आपके सामने ना आ पाएंगे। बन्नी, आज तक सबने सुना होगा कि बेइज्जत हुई औरत नागिन जैसी हो गए। जिस आदमी की इज्जत बीच बाजार एक छोरी ने उतारी, वो आदमी कितना जहरीला हो सके है।
बन्नी, बहुत बड़ी गलती की तूने। इस हरकत की थारे को सजा भुगतनी पड़ेगी, बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। लिसन लिसन लिसन, बैकग्राउंड ना बिल्कुल भी डार्क नहीं होना चाहिए, एकदम ब्राइट और कलरफुल होना चाहिए, मेरी तरह, ओके? बिल्कुल मैम, डोंट वरी, आप टेंशन ना ले। परफेक्ट। अरे अल्पना जी, सुनो, चार्मी, तुम अपने होम टाउन से फेमस मेहंदी डिजाइनर बुलाने वाली थी ना? What the hell, चार्मी? हाँ? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता चार्मी, क्या कहा था तुमने, वो हाफ कॉफी वाली मेहंदी, फेमस डिजाइनर, चार्मी? इसे बताया कि ये बात दिमाग से निकल गई थी तो सर पे बैठ के सर खाएगी। क्या हुआ चार्मी? हम्म? अरे वो मेहंदी वाली, क्या बताऊं जिज्जी, वो तो मरी जा रही थी यहाँ आने के लिए, लेकिन कल रात उसकी माँ बीमार पड़ गई, अब हम क्या ही बोलते ना उसे। What? अब उसकी माँ के शोक में नियति मेहंदी ना लगाए। ओ गॉड, मेरे बिना कुछ नहीं होता इस घर में, छोटे से छोटे से। हाँ, ये ले काकी सा, ये थरीटी फिर चल। अरे बन्नी रुक रुक। हुँ? अरे सही सबक सिखाया तूने राजा भाई को, पूरी बस्ती में तेरे ही चर्चे हो रहे हैं। काश तेरे जैसी बन्नी सब लड़की में छुपी हो, तो मजल है ऐसे सड़क छाप राजा भाई की जो हमारी बच्चियों पे नजर डाले। काकी सा, ये तो आपका आशीर्वाद है, पर मैं अपनी तारीफ अपने दोस्त युवान के साथ बांटना चाहती हूँ। उसने ना सिर्फ मारे को बचाया है, बल्कि उसने तो उस राजा भाई को पहचानने में हमारी मदद भी की है। तो ऐसे में तो युवान को चूरमे से भी मीठा थैंक यू बोलना तो बने है ना। और हाँ, उसकी तबीयत का भी पूछ लूंगी, अब तक तो युवान के खून की रिपोर्ट आ गई होगी, मैं चालू। हाँ, जीती रहे बेटी, जीती रहे। ये लो जी। तीन लाख? हाँ। अब 50,000 और मांगे थे ना, बताया था ना कि एक लेनदार है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये 3.5 लाख ही है, मारे को याद है। अब एक बात बताऊँ, ये वो गंदा इंसान अब बन्नी को परेशान तो ना करेगा ना? ना जी, बिल्कुल भी ना करेगा। बस। अरे बस पीसे उसके हाथ में जाने की देर है, हम परेशान करने भी नहीं देंगे। आपने हमारी भांजी की जिंदगी बचा ली, बहुत बहुत आभार। अरे जो दूसरों का जीवन बचा हुआ है, हमारी नजर में उसके जीवन की कीमत बहुत ही ज्यादा हुआ है, और बन्नी जैसे इंसान के लिए जितना भी किया जावे कम है। बस शंभू जी महाराज उसे बढ़िया से जीवन साथी दे देवे बस। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने मामी सा को देखा? साड़ी से तो मामी सा ही है। जल्दी जल्दी चल, हमें जयपुर के लिए अभी के अभी निकलना है। वो डिजाइनर है ना, फालतू ब्रो है, पता नहीं उस इडियट के घर में कोई तो इमरजेंसी आ गई, इसलिए नियति की ज्वेलरी नहीं डिलीवर कर पाएगा, और भाभी सा ने कहा है कि हमें जाके ज्वेलरी पर्सनली लेनी है, ठीक है? तो जल्दी चलना है, तो चल 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 गाड़ी में बैठते हैं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।